नमस्कार, टेन शेयर्स में आपका स्वागत है। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार मिलाजुला बंद हुआ। बेंचमार्क निफ्टी इंडेक्स थोड़ा नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। ग्लोबल मार्केट्स में मिलाजुला रुख रहा। यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। ट्रेडर्स और निवेशकों को ग्लोबल और घरेलू फैक्टर्स पर नजर रखनी चाहिए, जो आने वाले दिनों में बाजार पर असर डाल सकते हैं। डिविस लेबोरेटरीज को बैंक सुविधाओं के लिए क्रेडिट रेटिंग में पुष्टि प्राप्त होती है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने मध्य प्रदेश के सागर में एक नया स्टोर खोला है। थर्मैक्स बैबॉक एंड विलकॉक्स एनर्जी सॉल्यूशंस को दक्षिणी अफ्रीका के बोत्सवाना में एक इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट से 300 मेगावाट की एक और एनर्जी प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए 516 करोड़ रुपए का रिपीट ऑर्डर मिला है। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी ने 2005 में निर्मित स्वेजमैक्स क्रूड टैंकर जगललित बेचा। जाइडस ने विविट के साथ विशेष लाइसेंसिंग और सप्लाई एग्रीमेंट किया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अरबिंदो फार्मा में हिस्सेदारी 5.01% से घटाकर 2.265% कर दी है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया को 114 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। IIFL फाइनेंस को 100 करोड़ रुपए के NCD के लिए क्रेडिट रेटिंग प्राप्त हुई। इंडियन बैंक ने कुल मिलाकर 5000 करोड़ रुपए तक के लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बांड सफलतापूर्वक जुटाए हैं। वेदांता ने सीनियर मैनेजमेंट पर्सनेल के इस्तीफे की घोषणा की। जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ने फाउंडरलिंक टेक्नोलॉजीज के साथ एक स्ट्रैटेजिक अलायंस एग्रीमेंट किया है। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडियन रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से 1.42 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। L&T फाइनेंस ने कुल 1000 करोड़ रुपए के NCD आवंटित किए हैं। विंटेज कॉफी ने नेरुल नवी मुंबई में प्रीमियम कैफे लाउंज खोला है। ONGC ग्रीन PTC एनर्जी में 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब 10 शेयर्स।